हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ द हिंदू वोकैबुलरी प्रेजेंटेड बाय मी अमन त्रिवेदी। एंड आज की तारीख है आपकी 24 अगस्त और हम डिस्कस कर रहे हैं द हिंदू वोकैबुलरी। तो इस चैनल पर आपको एसएससी सीजीएल के रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड सारे वीडियोज आपको मिलते रहते हैं। इसके अलावा मैं आपको डेली द हिंदू वोकैबुलरी के वीडियोज देता हूँ जो कि आपको मंडे टू सैटरडे आपको इस चैनल पर मिलते हैं। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और बेल आइकन को दबा दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं कर रखा है ये सब काम। तो चलिए आगे शुरू बढ़ते हैं। और मैं थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर मेरे बारे में, दीज आर सम माई क्रेडेंशियल्स। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पेज मेरा लाइक कर लीजिए जो कि है त्रिवेदी अमन 25। इससे आप सर्च करेंगे @त्रिवेदी अमन 25 फेसबुक पे अगर आप सर्च करेंगे तो मेरा पेज मिल जाएगा। टेलीग्राम पे अगर आपने अभी तक मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया है जहां पर मैं डेली पीडीएफ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करता हूं, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए @अमन त्रिवेदी तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टा पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं त्रिवेदी.3664 आपको मेरा इंस्टा आईडी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप डेली असाइनमेंट्स करना चाहते हैं तो डेली असाइनमेंट जिसमें मैं 30 क्वेश्चंस डेली के डेली प्रोवाइड करता हूं, जिसमें मैं आपको 10 क्वेश्चंस आपके एरर डिटेक्शन के होते हैं, उसके अलावा 5 क्वेश्चंस पैरा जंबल के, 5 आपके क्लोज टेस्ट के, और 5 क्वेश्चंस आपके टोटल, आपके 10 क्वेश्चंस आपके पैरा जंबल के रहते हैं, 5 क्लोज टेस्ट के और 5 क्वेश्चंस आपके पैराग्राफ के रहते हैं। तो टोटल मैं आपको 30 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता हूं जिसमें आप जिनको अटेम्प्ट कर सकते हैं आप www.amantrivedi.com पर जाकर, तो वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आपको असाइनमेंट भी मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जाकर डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी पर मेरा मुझे फॉलो करना चाहते हैं और मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। उसके लिए आप प्लस पर जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करिए। 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ का। 12 मंथ का ऑप्शन जो है वो है आपका 5,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन है, 5,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन मिलेगा 12 महीने का। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे अगर आप 2019 की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करिए अमन त्रिवेदी, अप्लाई करिए। क्रेडिट्स आपके पास होंगे, इन्हें अप्लाई करिए तो टोटल आपको 10% मेरे कोड से, इसके अलावा आपको क्रेडिट से 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। टोटल आपको 5,000 में से 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस तरीके से आपको जो कॉस्ट होती है वो 4,000 के आसपास होती है, क्योंकि ये वाला जो डिस्काउंट है वो आपके क्रेडिट्स पे डिपेंड करता है। क्रेडिट ज़्यादा होंगे तो ये डिस्काउंट थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, तो 4,000 रुपये के आसपास आपको सारे टीचर्स, जितने भी टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, सारे टीचर्स विद ऑल सब्जेक्ट, सभी कुछ आपको देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ आपको मेरा कोर्स देखने को मिलेगा। हमारा जो नया कोर्स शुरू हुआ है वो 16 अगस्त से शुरू हुआ है जो कि है एक्सटेंसिव बैच कोर्स फॉर SSC CGL प्री एंड मेंस 2019, जिसमें कुछ क्लासेस आपकी छूट गई हैं लेकिन आप अभी भी बहुत कुछ इसमें बाकी है, क्योंकि इस कोर्स की जो लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर तक ये कोर्स चलेगा। तो अभी से जाकर इसको ज्वाइन कर लीजिए, 2019 की पूरी तैयारी आपके इस कोर्स से हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में और आज की वोकैबुलरी के बारे में। तो डिस्कशन को शुरू करेंगे विद टुडेज़ न्यूज़। पहला न्यूज है SC इश्यूज नोटिस टू गवर्नमेंट ऑन प्लीज अगेंस्ट एक्ट टू पिनलाइज ट्रिपल तलाक, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी इस बात की प्लीज गई हैं कि ट्रिपल तलाक को आपने जो पिनलाइज किया है, एक जो क्रिमिनल लॉ बना दिया, इसको उन्होंने गलत किया है। इस चीज को लेकर वहां पर बहुत सारी प्लीज यानी कि आपके पिटिशंस गए हुए हैं, तो इस पे उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है इसको लेकर। इसके अलावा एशिया पैसिफिक ग्रुप पुट्स बैक ऑन पाक ऑन ब्लैक लिस्ट फॉर नो कर्ब्स ऑन टेरर फंड। कर्ब मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल करना, रोकना, तो टेरर फंड को रोका नहीं है इसलिए पाकिस्तान के ऊपर एशिया पैसिफिक ग्रुप ने उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। आगे कहता है चाइना टू इम्पोज न्यू टैरिफ्स ऑन 75 बिलियन ऑन US इम्पोर्ट्स। तो याद रख लीजिए कि अगर किसी पर टैरिफ्स यानी कि कोई किसी भी तरीके का टैक्स लगाया जाता है तो आप इम्पोज करते हैं, किसी पर कोई चार्जेस लगाते हैं तो आप करते हैं। देखिए, इम्पोज होता है आपका टैक्स, इम्पोज करना या फिर लेवी करना, ये टैक्स के लिए आता है। स्लैम आप करते हो चार्जेस के लिए, अगर किसी पर आरोप लगाते हैं तो आप करते हो स्लैम्स ऑन चार्जेस, या इसी तरीके से स्लैप भी करा जा सकता है। स्लैम भी होता है और स्लैप द चार्जेस भी होता है। स्लैप द चार्जेस का मतलब ये होता है किसी पर आरोप लगाना। ठीक है, इसके अलावा साई प्रणीत सिंधु ये वर्ल्ड बैडमिंटन फाइनल में, सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। गवर्नमेंट ने कहा है गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू डाउन टर्न विद स्टेप्स टू बूस्ट ग्रोथ, यानी कि गवर्नमेंट ने डाउन टर्न को लेकर रिस्पॉन्ड किया है और स्टेप के लिए बताए हैं कि ग्रोथ को कैसे वो बढ़ाएंगे। ठीक है, व्हेन पुश कम्स टू शोव, यहां पर ये इन्होंने idiom यूज किया है, व्हेन पुश कम्स टू शोव कॉन्ट्रोवर्शियल सरचार्ज ऑन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स विदड्रॉन। जो कॉन्ट्रोवर्शियल मतलब जो विवादित था,
बट इंक्रीज्ड सरचार्ज विल अप्लाई टू दोज इन अर्निंग ओवर 2 crore अ ईयर, वो उन पे लागू होगा. वायलेशन ऑफ सीएसआर रूल्स विल नॉट बी ट्रीटेड एज क्रिमिनल ऑफेंस. इसके अलावा गवर्नमेंट विल फ्रंट लोड 70,000 crore ऑफ कैपिटल इन्फ्यूजन इन पब्लिक बैंक्स. तो दो टर्म हमारे आते हैं, एक इन्फ्यूजन है, एक डाउन टर्म है और एक ईडीएम है. चलिए इनको फटाफट देखते हैं. डाउन टर्न का मतलब क्या हुआ? देखो अपटर्न, इसका जस्ट अपोजिट होता है अपटर्न. तो ऐसे देखिए, अगर इकोनॉमी का ग्राफ ऊपर जा रहा है तो ये क्या हुआ? अपटर्न. इकोनॉमी का ग्राफ नीचे जा रहा है तो ये क्या हुआ? डाउन टर्न. तो ग्राफ अगर नीचे जा रहा है तो मतलब क्या हो रहा है? अ फॉल इन द अमाउंट ऑफ बिजनेस दैट इज डन अ टाइम व्हेन द इकोनॉमी बिकम्स वीकर. यानी कि किसी के बिजनेस, किसी के व्यापार में जब अगर गिरावट आती है तो उसे कहते हैं डाउन टर्न, या फिर वो समय जब इकोनॉमी कमजोर होती है, उस देश की इकोनॉमी कमजोर होती है, उसे हम डाउन टर्न कहते हैं. तो गवर्नमेंट ने जो डाउन टर्न, देश में जो मंदी के हालात चल रहे हैं, उनको उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है. आगे यहां पर बोलते हैं कैपिटल इन्फ्यूजन इन पब्लिक बैंक्स. तो गवर्नमेंट विल फ्रंट लोड. तो इन्फ्यूजन करने का मतलब होता है इन्फ्यूज करना, इन्फ्यूजन इन्फ्यूज करना, पार्क इन करना, पंप इन करना मतलब होता है आपका, या इन्वेस्ट करना मतलब होता है पैसा लगाना कहीं पर. द एक्ट ऑफ एडिंग समथिंग टू समथिंग एल्स इन ऑर्डर टू मेक इट स्ट्रॉन्गर. किसी चीज में इन्फ्यूज कर रहे हैं मतलब कुछ आप जबरदस्ती एंट्री कर रहे हैं. तो इन्फ्यूज करना बेसिकली यहां पर जो है वो पैसा लगाने के टर्म्स में इस्तेमाल हुआ है. ठीक है, आगे यहां पर कोई ऐसा वर्ड नहीं है. यहां पर यह आया व्हेन पुश कम्स टू शो. ये ईडीएम है पूरा का पूरा, जिसका मतलब होता है आपका व्हेन देयर इज नो अदर चॉइस, व्हेन एवरीथिंग हैज फेल्ड. यानी कि जब कोई और ऐसा कोई कदम बचा नहीं है, सारी चीजें फेल हो चुकी हैं, देन पुश कम्स टू शोव. ठीक है, तो तब ऐसी परिस्थिति में पुश जो है शोव करने के लिए आता है, बचाने के लिए आया है. ठीक है, तो व्हेन देयर इज नो अदर चॉइस, व्हेन एवरीथिंग हैज फेल्ड, ये इसका मतलब हो गया. जब सब कुछ फेल हो गया है और जब कुछ बचा नहीं है, तब एक पुश आया जो बचाने की कोशिश कर रहा है. यहां पर ये इसका मतलब होता है, ये ईडियम है. ठीक है, इसके अलावा होता है आगे आपका. देखिए, मैंने पुश से रिलेटेड आपको दो इडियम्स और दिखाए हैं यहाँ पर, एक ये है एक ये है. जैसे गिव somebody द पुश मतलब होता है किसी को डिसमिस करना, मतलब किसी को जॉब से निकालना, किसी को जॉब से निकालना. टू फायर somebody, टू sack somebody या गिव somebody पिंक स्लिप मतलब हो जाता है किसी को नौकरी से निकालना. गिव somebody द पुश मीनिंग हो गया किसी को डिसमिस करना, किसी को नौकरी से निकालने के लिए आ गया. टू फायर somebody, टू sack somebody या टू गिव somebody पिंक स्लिप, यहां पर ये इसका मीनिंग हो जाता है. अगला देखिए, यहां पर लिखते हैं, इन्होंने लिखा हुआ है बीएसएफ ऑफिसर्स वाइफ डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स इन असम, उनको वहां पर फॉरेनर बता दिया गया है. इसके अलावा कोयंबटूर अंडर अ सिक्योरिटी ब्लैंकेट. कोयंबटूर जो है, कोयंबटूर इज अंडर द सिक्योरिटी ब्लैंकेट, क्या मतलब हो जाता है आपका? कोयंबटूर इज अंडर द सिक्योरिटी ब्लैंकेट मीनिंग हो गया ऑफिशियल ऑर्डर्स और मेजर दैट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम नोइंग अबाउट सीइंग एटसेट्रा समथिंग. तो कोयंबटूर में जो है काफी सिक्योरिटी ब्लैंकेट, यानी कि एकदम से अलर्ट साउंड कर दिया गया है, और वहां पर आपका सिक्योरिटी कहने का मतलब हो गया आपका सिक्योरिटी के रूप में आ रही है, लिहाज से वहां पर पूरी तरीके से अलर्ट चल रहा है, ये यहां पर मीनिंग हो जाता है. लश्कर तैयबा के जो सस्पेक्ट हैं, जो संदिग्ध हैं, वो वहां पर ऐसा पाया जा रहा है कि इंट्रूड किया है. इंट्रूड इनटू ट्रेसपास करना, इंट्रूड करने का मतलब होता है कहीं पर घुसपैठ करने के लिए, तो इसका मीनिंग हो जाएगा घुसपैठ करना. ठीक है, इलीगली जबरदस्ती कहीं पर घुसने के लिए आता है. सेंटर स्टेप्स इनटू कंट्रोल अनियन प्राइसेस. तो स्टेप इन मतलब उसने कदम उठाए हैं. रेन इन अनियन ग्रोइंग स्टेट कॉजेस कंसर्न अबाउट अ हाइक इन प्राइसेस. तो हाइक का मतलब कीमतों में बढ़ोतरी होता है. दिल्ली स्कोर्स लोएस्ट ऑन वाटर मैनेजमेंट, उसका जो स्कोर है वो लोएस्ट रहा है. आगे देखिए, यहां पर कोई ऐसा न्यू वर्ड नहीं था. आगे यहां पर आप देखते हैं तो यहां पर कुछ बड़ा अच्छे वर्ड मिलते हैं. कहते हैं पेटिशन टू सेव दरियागंज बुक मार्केट गैदर्स स्टीम. तो यहां पर वर्ड आया, इन्होंने लिखा है गैदर्स स्टीम. गैदर स्टीम का मतलब क्या होता है? टू गैदर स्टीम का मतलब होता है गेट अप और पिकअप स्टीम, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि कई बार आप गैदर स्टीम करके देखोगे, या फिर इसको कई बार ऐसे देखोगे इट गॉट अप स्टीम या इट पिक्ड अप स्टीम. मीनिंग होता है टू बिकम ग्रेजुअली मोर पावरफुल और एक्टिव एटसेट्रा. यानी कि जो पेटिशन है दरियागंज बुक मार्केट को बचाने के लिए, इसको अब और पावर मिल रही है, इसको और सपोर्ट मिल रहा है, एंड इट हैज बिकम मोर एक्टिव नाउ. अराउंड 2000 लोगों ने इसको साइन किया हुआ है. हिज इलेक्शन कैंपेन इज बिगिनिंग टू गेट अप स्टीम, मतलब उसका इलेक्शन कैंपेन जो है धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है. तो गेट अप स्टीम या गैदर स्टीम का मतलब होता है धीरे धीरे रफ्तार पकड़ना. अगला देखो, स्टीम से रिलेटेड आपका ईडियम आता है. देखिए, अगर जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो उनको मैं बता दूं, इस वीडियो में हम क्या करते हैं, धीरे धीरे इसी तरीके के हम एक वर्ड से रिलेटेड जितने भी ईडियम्स होते हैं उनको एक जगह पर डिस्कस कर लेते हैं. तो अगला वर्ड हमारा आता है लेट ऑफ स्टीम. लेट ऑफ स्टीम का मतलब हो जाता है टू गेट रिड ऑफ योर एनर्जी एंगर
और स्ट्रॉन्ग इमोशंस बाई डूइंग समथिंग एक्टिव और नॉइजी. कुछ बहुत ही ज़्यादा कुछ किसी एनर्जी कम होना गुस्से से, या जैसे आप टू गेट रिड ऑफ एनर्जी, एनर्जी कम होना, गुस्सा है आप में वो कम हो रहा है, स्ट्रांग इमोशंस हैं किसी के चीज़ में वो कम हो रहा है, तो आप अपने रिलीज कर रहे हो अपने स्टीम को. आपके दिमाग में ऐसा सोच लो, आपके दिमाग में स्टीम भरी हुई है और आप प्रेशर कुकर की सीटी उठा के उस स्टीम को निकाल रहे हो. मतलब समझ रहे हो, आप उस प्रेशर को, उस स्ट्रेस को, उस एंगर को, उस एनर्जी को रिलीज कर रहे हो. तो लेट ऑफ स्टीम का मतलब हो गया एक तरीके से स्ट्रेस रिलीव करना. एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा आई वेंट फॉर अ लॉन्ग वॉक टू सेट लेट ऑफ स्टीम, यानी कि मैं एक लंबी वॉक पे गया स्टीम को बाहर निकालने के लिए, मतलब अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए. इसी तरीके से दूसरा एडियम बनता है रन आउट ऑफ स्टीम. रन आउट ऑफ स्टीम का मतलब क्या हो जाता है, टू लूज एनर्जी और एंथुजियाज्म और स्टॉप डूइंग समथिंग और डू इट लेस वेल, यानी कि किसी चीज के लिए एनर्जी खो देना, एंथुजियाज्म कम हो जाना, या किसी काम को करने से रुक जाना, या उसे कम अच्छे से करने लगना. तो रन आउट ऑफ स्टीम का मतलब आपके अंदर उसको करने के लिए एंथुजियाज्म जो है वो कम हो गया है, वो खत्म हो गया है, ये यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाता है. अगला बोलता है फुल स्पीड स्टीम अहेड. अगर कहने का मतलब है जैसे यू आर मूविंग विद फुल स्टीम स्पीड, मतलब हो गया विद एज मच स्पीड और एनर्जी एज पॉसिबल. ये कहाँ से आता है, क्योंकि पहले जो ट्रेन्स चलती थी वो कैसी चलती थी, स्टीम वाली चलती थी, कोयला डालते थे. तो इफ समथिंग इज रनिंग विद फुल स्पीड स्टीम अहेड, मतलब हो गया कि वो अपने पूरी स्पीड और पूरी एनर्जी से मूव कर रहा है. अगला स्टीम से रिलेटेड ही हमारा एडियम आता है गेट समवेयर अंडर योर ओन स्टीम. आप कहीं पर जाओगे विद योर ओन स्टीम, मतलब पहले स्टीम इंजन होता था तो आप अपने खुद के स्टीम इंजन से जाओगे, अपने खुद की ऐसी कार से जाओगे, मतलब हो गया टू गो समवेयर विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर पीपल, दूसरों से मदद लिए बगैर कहीं पर जाना. तो आई विल गेट टू द पार्टी अंडर माई ओन स्टीम, मैं अपने खुद के स्टीम, यानी कि मैं अपनी खुद की गाड़ी से यार अपने आप खुद से जाऊंगा वहां पर. ठीक है, एक और idiom हमने लिखा है गेट स्टीम अप अबाउट समथिंग या ओवर समथिंग, यानी कि किसी चीज को लेकर आप स्टीम अप हो रहे हो, मतलब आप किसी चीज को लेकर गुस्सा हो रहे हो. टू बिकम वेरी एंग्री और एक्साइटेड अबाउट समथिंग, किसी चीज को लेकर बहुत ही एंग्री होना, बहुत ही एक्साइटेड होना क्या कहलाता है, टू गेट स्टीम अप या ओवर समथिंग. ठीक है, यू आर गेटिंग ऑल स्टीम्ड अप अबाउट नथिंग, यानी कि तुम बेवजह ही गुस्सा हो रहे हो. ठीक, आगे बोलते हैं सिविक ऑफिशियल्स टेक स्टॉक ऑफ वाटर लॉगिंग. वाटर लॉगिंग मतलब होता है पानी भरने की समस्या. टेक स्टॉक ऑफ, तो टेक स्टॉक ऑफ का मतलब क्या होता है, देखो टेक स्टॉक ऑफ ऑफ सिचुएशन का मतलब होता है किसी परिस्थिति का जायजा लेना. क्या मतलब होता है, किसी परिस्थिति का जायजा लेना. ठीक है, या फिर इसका मतलब ये भी होता है टू स्टॉप एंड थिंक केयरफुली अबाउट द वे इन विच अ पर्टिकुलर सिचुएशन इज डेवलपिंग इन ऑर्डर टू डिसाइड टू व्हाट टू डू नेक्स्ट, यानी कि कोई परिस्थिति से हमें आगे कैसे निपटना है इस बारे में सोचना या विचार करने के लिए भी आता है टेक स्टॉक ऑफ अ सिचुएशन. अब देखो स्टॉक से रिलेटेड idioms देख लेते हैं. पुट स्टॉक इन समथिंग, पुट स्टॉक इन समथिंग का मतलब हो जाता है टू हैव अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बिलीफ इन समथिंग, किसी चीज में, किसी बात में आपके एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बिलीफ है, दैट इज नोन एज पुट स्टॉक इन समथिंग, उसे हम कहते हैं कि यू हैव अ पर्टिकुलर बिलीफ इन दिस पर्टिकुलर थिंग. शी नो लॉन्गर पुट्स मच स्टॉक इन दियर क्लेम्स, यानी कि वो उनके क्लेम्स में और ज्यादा वो स्टॉक नहीं रखती, यानी कि और ज्यादा वो भरोसा नहीं रखती. पुट स्टॉक इन समथिंग का मतलब हो गया किसी चीज में भरोसा रखना. ऑन द स्टॉक्स मतलब क्या होता है, ऑन द स्टॉक्स का मीनिंग होता है इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग मेड, बिल्ट और प्रिपेयर्ड, यानी कि कुछ किसी चीज के बनने, प्रिपेयर होने या बनने के जो आपका प्रोसेस है उसे कहते हैं ऑन द स्टॉक्स. आर न्यू मॉडल इज ऑलरेडी ऑन द स्टॉक्स एंड विल बी अवेलेबल इन द स्प्रिंग, हमारा नया मार्केट जो नया जो मॉडल है वो ऑन द स्टॉक्स है, यानी कि बिल्कुल ही रेडी है तैयार होने के लिए और अगले स्प्रिंग में वो बाहर आ जाएगा. इसी तरीके से आता है हमारा लॉक स्टॉक एंड बैरल. लॉक स्टॉक एंड बैरल का मतलब क्या हुआ, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जिसमें समथिंग विच इंक्लूड्स एवरीथिंग. ठीक है, जैसे ही सोल्ड हिज बिजनेस लॉक स्टॉक एंड बैरल, यानी कि उसने अपना बिजनेस बेच दिया विद लॉक स्टॉक एंड बैरल, यानी कि पूरी तरीके से इंक्लूडिंग एवरीथिंग, सारी चीजें मिला के. ठीक है, आगे देखिए यहां लिखते हैं रकस ओवर आर्टिकल 370 स्पीकर सस्पेंस गुप्ता, यानी कि रकस हो रखा है आर्टिकल 370 के ऊपर, दिल्ली बीजेपी आपकी असेंबली की बात हो रही है. तो रकस का मतलब होता है, रकस इज अ नाउन, मीनिंग हो गया अ सिचुएशन इन विच देर इज अ लॉट ऑफ नॉइजी एक्टिविटी, कन्फ्यूजन और आर्ग्यूमेंट. ऐसी परिस्थिति जहां पे बहुत सारा लॉट ऑफ नॉइजी एक्टिविटी हो रही है, कन्फ्यूजन हो रहा है या आर्ग्यूमेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रकस.
एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा शी वेंट आउटसाइड टू सी व्हाट वॉज कॉजिंग सच अ रकस, यानी कि वो बाहर गई इसको देखने के लिए कि व्हाट हु वॉज कॉजिंग सच अ रकस, यानी कि कौन इस रकस को कॉज कर रहा है, यानी कि कौन इस हल्ले गुल्ले को, इस शोर शराबे को कॉज कर रहा है. एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कमोशन, हेल्टर स्केल्टर, डिस्टर्बेंस, टर्मोइल, अप्रोर, स्टिर, स्ट्यू, स्क्वैल, वेल्टर, टमुल्ट और फिरोर, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, आप इन्हें याद रखेंगे. ठीक है, और वीडियो की पीडीएफ आपको शाम के तक मिल जाएगी आपको www.amantrivedi.com पर, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा इसके लिए. ठीक है, रेबल आप एमएलए, रेबल मतलब होता है बागी, आप एमएलए मार्शल आउट मतलब हाउस से बाहर निकालना, हेल्थ मिनिस्टर प्रोमिसेस प्रोब इन टू द इशू, प्रोब मतलब होता है जांच. ठीक है, रविदास टेम्पल रो, रो मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, रो के तीन मीनिंग मैंने बताए हैं, एक होता है पंक्ति, एक होता है डिस्प्यूट, एक होता है आपका नाव का खेना, तो एक मतलब यहां पर क्या हो रहा है डिस्प्यूट वाला. ठीक है, इसके आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट आते हैं. कहता है डेडलाइन फॉर गेटिंग आरएफआईडी टैक्स एंड वायलेटर्स टू फेस हेफ्टी फाइंस, हेफ्टी मतलब हैवी, हेफ्टी मतलब हो गया हैवी फाइंस, उन पे आप हैवी फाइंस लगेंगे. आफ्टर थ्री वीक्स कॉमर्शियल व्हीकल्स विदाउट टैक्स विल बी बार्ड फ्रॉम एंटरिंग द सिटी, बार्ड मतलब होता है रोकना, उनको एंट्री नहीं दिया जाएगा, दे विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग द सिटी. ठीक है, कैपिटल रैंक्स लास्ट इन नीति आयोग असेसमेंट फॉर वाटर मैनेजमेंट, तो ये हमने देख लिया था. अगला देखिए, यहां पर कहते हैं रैपिड मेट्रो इन शैम्बल्स, एचएसवीपीज रिफ्यूज टू टेक ब्लेम, यानी कि रैपिड मेट्रो जो है किसमें है, इन शैम्बल्स में है, एचएसवीपी जो है उसने मना कर दिया है उस आरोप को लेने से. ठीक, तो फर्म एक्सप्रेसेस इट्स इनएबिलिटी टू रन द मेट्रो ऑपरेशंस बियॉन्ड अ फोर्टनाइट, उनका कहना है हम 15 दिन से ज्यादा इसको अब नहीं चला पाएंगे. तो यहां पर देखिए आपको मैं कुछ वर्ड्स बताता हूं, जैसे इन डिक्रिपिट, इन रैमपार्ट पोजिशन, इन डिलेपिडेटेड कंडीशन, इन रिकेटी स्टेट, इन डिसएरे, इन शैम्बल्स, इन सभी का मतलब होता है किसी चीज का जर्जर अवस्था में होना, यानी कि बहुत ही बुरी स्थिति में होना. इन डेक्रिपिट स्टेट आपका क्या हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, इस बिल्डिंग का भी हो सकता है. इन बिल्ड रैम्पर्ट पोजीशन, ये दोनों ही चीजें बिल्डिंग के लिए आ सकते हैं. इसी तरीके से आता है इन डिलेपिडेटेड स्टेट, इन डिलेपिडेटेड, इन डिलेपिडेटेड स्टेट, एक सेकेंड, डिलेपिडेटेड. ठीक है, इसका मतलब भी होता है किसी जर्जर अवस्था में होना, ये भी बिल्डिंग के लिए आता है, ये देखिए लिखा हुआ है, सॉरी मैं अलग से बेवजह लिख रहा हूँ, ये तीनों आपके बिल्डिंग के लिए आ जाते हैं. इन रिकेटी स्टेट, इन डिसएरे, ये आते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके पार्टी के लिए, किसी टीम के लिए. शैम्बल्स जैसे यहाँ पर मेट्रो के लिए आया, किसी के लिए भी आ सकता है. अब देखो ये अगर इसमें है तो इनको चाहिए क्या, इनको चाहिए री एनर्जाइज करना, तो किसी रेनोवेट करना, रिफर्निश करते हैं हम किसी बिल्डिंग को, उसे दोबारा से जीर्णोद्धार करते हैं. रिजिगिंग ऑफ अ पार्टी टीम या ऑर्गेनाइजेशन की करते हैं, पार्टी टीम या ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा से उसको जीवंत करना, दोबारा से उसको एनर्जाइज करना, दोबारा से उसे पूरी चीजें प्रोवाइड करना, उसके लिए आता है. रिवैम्पिंग ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी अगर खराब स्थिति में है तो उसके लिए भी इन शैम्बल्स आता है, इकोनॉमी के लिए भी आता है शैम्बल्स, तो उसे आप क्या करते हो, रिवैम्प करते हो, बेहतर बनाते हो. रेजुविनेट, रीइन्वेगोरेट, रिवाइटलाइज करने का मतलब हो जाता है रीएनर्जाइज करना, पुनः से किसी चीज को एनर्जी प्रदान करने से, के सेंस में ये आता है. ठीक है, आगे बोलते हैं चौटाला सिक्स एक्सटेंशन पैरोल, ये सारे हो गए. यहां पर देखिए लिखते हैं आपका कि योगी कीप्स होम एंड रेवेन्यू, सुरेश खन्ना गेट्स फाइनेंस, यूपीसीएम एलोकेट्स पोर्टफोलियोज टू मिनिस्टर इंडक्टेड इन टू हिज कैबिनेट. तो यहां पर टर्म आया इंडक्ट, इंडक्ट, इनकॉर्पोरेट, रोप इन, इन तीनों का मतलब होता है किसी को इंक्लूड करना. सिनोनिम्स के तौर पे आप लिख सकते हो बैप्टाइज करना, इनॉग्रेट करना, इंस्टॉल करना, इनिशिएट करना या इंस्टेट करना. बैप्टाइज का एक मतलब और होता है, बैप्टाइज का मतलब किसी चीज को सैक्रेड करना भी होता है, मतलब सैंक्टिफाई करना, किसी चीज को सैक्रोसैंक्ट करना, किसी चीज को पवित्र बनाना. लेकिन ये टर्म बेसिकली पवित्र बनाने के लिए आया क्यों, बैप्टाइज करने का मतलब बेसिकली होता है किसी को क्रिश्चियनिटी में इंक्लूड करना, इसीलिए ये इंक्लूड का सिनोनिम है. अगर आप क्रिश्चियनिटी को अपनाते हो तो आपका बैप्टिज्म किया जाएगा, आपको बैप्टाइज किया जाएगा, मतलब आपको पवित्र किया जाएगा. कैसे, क्योंकि जो उनके कल्चर हैं, जो भी उनका है, इट सेज दैट कि वाइन आपको पिला के वो आपको बैप्टाइज करेंगे, पवित्र बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड बैप्टाइज करना. ठीक है, इसीलिए बैप्टाइज का मतलब इंक्लूड करना भी हो जाता है. आगे देखिए, यहां कहते हैं कि पैडी एक्रिज डिप्स इन पंजाब दिस सीजन, डिप्स मतलब कम होना, पैडी मतलब हो गया धान, एक्रिज मतलब होता है एकड़. ठीक है, एकरेज बेसिकली यूज फॉर एरिया ऑफ लैंड मेजर्ड इन एकर्स, उसके लिए आता है एकरेज, यानी कि जो पंजाब इस बार जो पैडी यानी कि धान की जो फसल है उसकी जो बुआई हुई है वो कम एरिया में हुई है, कम रीजन में हुई है, इसलिए ये टर्म आपका आता है. इसके अलावा देखो यहां पर लिखते हैं मरूंड,
मरून किसके लिए आया है, देखो, अ व्यू ऑफ फ्लड अफेक्टेड बिन टोली नियर कुर्जी घाट इन पटना ऑन फ्राइडे, यानी कि वहां पर क्या हुए हैं लोग, देखो मरून हो गए, फंस गए। मरून का मतलब बेसिकली क्या होता है, टू लीव समबडी इन अ प्लेस दैट दे कैन नॉट एस्केप फ्रॉम, फॉर एग्जाम्पल एन आईलैंड, ठीक है, किसी ऐसी परिस्थिति से गुजरना जहां से आप बच नहीं सकते हैं। तो आइलैंड से जैसे आप ऐसे देख लो, यहां पर ये लोग क्या हुए हैं, इनके घर कैसे बन गए, टापू बन गए ना, तो किसी टापू पे फंसने के लिए आता है मरूंड, स्ट्रैंडेड हो जाना, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में छूटना जहां से आप निकल ना पाना मुश्किल है, एग्जाम्पल हो गया आइलैंड की तरह कहीं पे फंस जाना। सो द कार वॉज मरूंड बाई फ्लड्स, यानी कार एकदम मरूंड हो गई थी फ्लड्स की वजह से, एकदम टापू पे फंस गई थी। अबंडेंट डेजर्ट फोर से एक लीव या क्विट या स्ट्रैंड, ये इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। इसके अलावा यहां पर देखिए लिखते हैं कि इट हैपेंड ऑल विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में सब कुछ हो गया। आई विटनेस मतलब चश्मदीद, रिकाउंट्स मतलब दुबई याद करते हुए, ट्रेजडी मतलब आपकी दुर्घटना, ये गाजियाबाद में, वेयर 5 डाइड ऑफ एस्फिक्सिएशन। एस्फिक्सिएशन का मतलब क्या होता है, एस्फिक्सिएशन जो है बेसिकली इसका मतलब, देखो दो टर्म होते हैं, एक होता है सफोकेशन, एक होता है एस्फिक्सिएशन। एस्फिक्सिएशन का मतलब हो जाता है द फैक्ट ऑफ बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम ब्रीदिंग अनटिल यू बिकम अनकॉन्शियस और डाई, यानी कि किसी को आप सांस लेने से तब तक रोको जब तक कि वो मर ना जाए। तो ये किसकी वजह से होता है, कई बार धुएं की वजह से होता है, कई बार किसी को गला घोटने की वजह से भी होता है, जिसे हम स्ट्रैंगुलेशन कहते हैं। कल मैंने आपको वर्ड भी कराया था, स्ट्रैंगुलेशन मतलब होता है गला घोटना। तो एस्फिक्सिएट करने का मतलब हो जाता है, सफोकेशन कब होगा, जैसे एक कमरे में अगर छोटा सा कमरा है उसमें 100 लोग बैठ जाए तो आपको घुटन होगी, वो होगा सफोकेशन। लेकिन एक कमरा है जिसमें आप अकेले बैठे हो लेकिन धुएं की वजह से मैं आपको सांस नहीं मिल पा रही है, तो वो होता है एस्फिक्सिएशन, ठीक है। सो द कॉज ऑफ डेथ वॉज एस्फिक्सिएशन, यानी कि चूंकि वो सांस नहीं ले पाया इसलिए उसकी मृत्यु हुई, ठीक। अगला देखो यहां लिखते हैं, एसयूवी फॉल्स इनटू गॉर्ज, 2 किल्ड, एसयूवी गॉर्ज में गिर गई, 2 लोगों की मृत्यु हो गई। गॉर्ज मतलब होता है, दो मतलब होते हैं गॉर्ज का, एक मतलब ये भी होता है किसी चीज को एक बाइट में बहुत ज्यादा खाना यानी ठूसना, और दूसरा गॉर्ज या एबिस मतलब खाई भी होता है, तो ये खाई के सेंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, सो दिस वॉज टूडेज क्लास फॉर वोकैबुलरी। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो amantrivedi.com पे लॉगिन कर लीजिएगा, वहां पर आपको PDF मिल जाएगी रात तक। इसके अलावा टेलीग्राम पर मुझे चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, @amantrivedi। अगर वीडियो यहां तक देखा है तो कमेंट सेक्शन में अटेंडेड जरूर लिखिएगा, और अपने 2 फ्रेंड्स को या 3 फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, जिससे कि हम बेहतर ऑडियंस तक इसे पहुंच पाए और मैं इसको आगे कंटिन्यू करने का एंथुजियाज्म बरकरार रख पाऊं, और मैं सोच सकूं कि हाँ आप लोग देख रहे हैं तो मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे नहीं तो मैं बनाऊंगा किसके लिए, ठीक है। चलिए, यहां पर देखो एक वर्ड और मुझे दिख गया यहां पर, फाइलिंग फ्रिवलस पीस। फ्रिवलस मतलब होता है हैविंग नो सीरियस पर्पस, ठीक है, हैविंग नो सीरियस पर्पस, यानी कि जैसे मजाकिया मूड में होना, उस सेंस में आया आपका। चलिए, सो लेट्स कीप इट क्लियर, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।